बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में प्रवेश करेगी। परिवर्तन संकल्प यात्रा की जनसभा पिनान कस्बे में आयोजित होगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी के बन्ना राम मीणा ने कहा है कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में करीब 50,000 लोगों के जनसभा में पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद भी है यहाँ आने वाले को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। उसके लिए पार्किंग पर बैठने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। शाम को 6 बजे जनसभा का आयोजन है और केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री यूपी और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ पर पधार रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में। यहाँ पर आज 50,000 से अधिक हर बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पधारेगा। कांग्रेस का जो कुशासन है उसका अंत करेगा और रामराज की स्थापना यहाँ आज के बाद होना तय है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक साथ आकर सबको साथ लाकर यहाँ कांग्रेस के भ्रष्टाचार और दुष्कर्म की जो घटनाएं मैं प्रदेश को नंबर वन पे ला दिया, जिस तरह से प्रदेश को कांग्रेस ने लूटा है, उनसे पिचका छुड़ाने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ से संकल्प लेंगे और राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा में 15 साल बाद कलम कमल खिलेगा, जिसकी तैयारी आज शाम से शुरू हो जाएंगी। और सभी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, कुशासन का अंत होगा, रामराज की स्थापना होगी, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा।